लेकिन डब्ब रिनफोर्स बीम में जैसे हम कंप्रेशन साइड में भी हम क्या कर डालते थे अपर साइड में भी हम वहाँ पर स्टील रिनफोर्स डाल इनफोर्समेंट डालते थे प्लान बीम में वैसा नहीं करेंगे ये एडवांस पार्ट है किसका आपका सिंगली इन्फोर्स बीम का एडवांस्ड पार्ट रहेगा ठीक है इसका एनालिसिस समर्ट उसके बराबर ही रहेगा जैसे कि हम जिसमें देखते थे सिंगली इनफोर्स बीम में जैसे एनालिसिस करते थे उसके जैसे ही होगा लेकिन ये उसका थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा उसका थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ें हमें देखने के लिए पड़ेगी ये थोड़ा सा और थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कंपेरिटिवली विथ सिंगली इनफोर्स बीम लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था अगर सबसे जो बेसिक जो पार्ट है एनालिसिस का डिज़ाइन का वो है आपका सिंगली रिनफोर्ड बीम उसमें जो एनालिसिस का मैंने आपको जो स्ट्रेन डायग्राम जो स्ट्रेस डायग्राम आपको जो बताया था कि अगर आप वो अगर आप नहीं देखोगे तो मैंने आपको बोला था आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी वैसे ही हुआ होगा अगर आप डबली रिनफोर्स्ड अगर आप देखे होगे तो वहाँ पर अगर आप सिंगली रिनफोर्स को मैं लेक्चर नहीं देखे होगे तो आपको उसका एनालिसिस समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो बेसिकली हमने सिंगली रिनफोर्स्ट को ही हमने क्या किया था उसका नेक्स्ट स्टेप देखा था डब्ली रिनफोर्ड में ये उसका एक और नेक्स्ट स्टेप है फ्लाइंट बीम ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा सिंगली इन्फोर्स बीम से ठीक है तो बात करेंगे अपन यहाँ पर फ्लैंज बीम के बारे में तो फ्लैंज बीम कैसा होता है कब प्रोवाइड करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स वगैरह क्या होते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बात करते हैं अपन जैसे सिंगली इनफोर्स बीम में मैं आपको जो बताया था बेसिकली क्या बताया था उसमें कि हमने वहाँ पर सिर्फ बीम के बारे में बात किया था ठीक है वहाँ पर हमने सिर्फ बीम को एनालाइज किया था वो भी कौन से टाइप का बीम को एनालाइज किया था एज अ रेक्टेंगुलर बीम को हमने एनालाइज किया था उसके जितने भी हमने स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम देखे थे स्ट्रेन डायग्राम देखे थे वो सब किसके लिए देखा था हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमने देखा था ठीक है बेसिकली होता क्या है अगर मैं बात करूँ डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूँ डिजाइनिंग की तो डिज़ाइनिंग में सबसे पहले सबसे पहले आप स्लैब को डिज़ाइन करते हैं ठीक है सबसे ऊपर क्या आता है स्लैब उसके बाद क्या आता है आपके पास बीम फिर उसके बाद आता है आपके पास कॉलम और उसके बाद आप देखते हैं फुटिंग में मतलब डिजाइनिंग में हम सबसे पहले स्लैब को डिज़ाइन नहीं करेंगे बट अगर हम लोड कंसिड्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट हम क्या देखते हैं लोड किस में देखते हैं स्लैब में उसके बाद हम देखते हैं बी में कितना लोड आ रहा है फिर हम देखते हैं कॉलम में फिर हम देखते हैं फुटिंग में ठीक है डिजाइनिंग तो आप मेरे ख्याल से फुटिंग से ही आप स्टार्ट करोगे लेकिन अगर लोड कंसिड्रेशन की बात करूँ तो स्लैब में अगर मैं लोड की बात करूँ तो स्लैब में लोड जो आएगा वो कैसा आएगा आपके पास की यूनिट क्या होगी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास लेंथ और वृथ दोनों आपका रहेगा स्लैब में अगर मैं बीम की बात करूँ तो बीम सिर्फ आपके पास एक ही डायमेंशन में आगे बढ़ता है ठीक है बीम का मेन जो होता है वो लेंथ होता है तो वो कितना होता है आपके पास किलो न्यूटन पर मीटर में क्या होता है आपके पास उसकी यूनिट रखते हैं लोड के लिए अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम पे एक एक्चुअल लोड आता है कॉलम सिर्फ एक ही एक मेंबर है एक्चुअली क्या कर रहा है वो अपवर्ड साइड आ रहा है उसके ऊपर एक्चुअल फोर्स आ रहा है तो उसमें सिर्फ किलो न्यूटन को हम कंसिडर करते हैं और अगर फुटिंग की बात करूँ तो फुटिंग अगेन एक स्लैब टाइप का हो गया आपके ग्राउंड के नीचे तो वहाँ पर भी आपके पास जो लोड जो रहेगा वो कैसा रहेगा आपके पास किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ठीक है तो ये तो हमने बात किया इसकी तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर जब मैं सिंगली इनफोर बीम के बारे में जब बात कर रहा था तो वहां पर मैंने बीम के ऊपर जो स्लैब जो आता है उसके बारे में हमने बात नहीं की थी हमने सिर्फ और सिर्फ किसको एनालाइज किया था हमने सिर्फ बीम को एनालाइज किया था लेकिन जैसे कि अभी मैं आपको बताया कि बीम पे बीम किसको सपोर्ट कर रहा है बीम किसको सपोर्ट कर रहा है बेसिकली स्लैब को सपोर्ट कर रहा है तो हमने वहां पर सिर्फ स्लैब के बारे में सिर्फ बीम के बारे में ही बात किया स्लैब के बारे में हमने देखा ही नहीं वहां पर सिंगली इन्फोर्स बीम में अगर मैं फ्लैंस बीम की बात करूं तो यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर हम स्लैब को भी कंसिडर करते हैं क्योंकि बेसिकली क्या होता है बीम और स्लैब ये बीम है आपके पास ये आपके पास बीम है और इसके ऊपर क्या आ रहा है पूरा स्लैब आ रहा है तो दोनों का क्या होता है आपको हम वहां पर देखते हैं कि दोनों साथ में कैसे है साथ में एज अ स्ट्रक्चर यहां पर क्या कर रहे हैं फॉर्म कर रहे हैं ठीक है थीके? तो फ्लैंड बीम में मैं आपसे बात करूंगा बीम के बारे में तो बात करूंगा करूंगा साथ में हम यहाँ पर उसके ऊपर जो स्लैब जो आता है उसके बारे में भी हम वहाँ पर देखते हैं कि कंसिड्रेशन कैसे लेते हैं फ्लाइंट बीम में ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि अगर मैं सिंगली रिनफोर्स बीम के बारे में बात कर रहा हूँ जनरली कैसा होता है कि अगर आप बीम बीम का आपने वो स्ट्रक्चर तैयार किया आपने उसका जो री है वो सब आपने उसका मैश वगैरह तैयार किया बीम का और उसके ऊपर क्या किया आपने बीम में आप क्या किया जैसी कन, वो क्या बोलते हैं उसका री आपने तैयार कर दिया एज अ मैश तैयार कर दिया आपने क्या किया उसके बाद कॉन्क्रीटिंग कर दी फॉर्मवर्क लगा के उसके बाद क्या किया आपने कॉन्क्रीटिंग जब किया बीम में तो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक आपने बीम पे कॉन्क्रीटिंग किया लेकिन ऊपर का थोड़ा सा पार्ट आपने क्या किया वहाँ पर छोड़ दिया ताकि जब आप स्लैब की जब आप वहाँ पर इनफोर्समेंट को ले, ले, ले डाउन करेंगे तो उसकी री और बीम की रिनफोर्समेंट को भी क्या करना है वहाँ पर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा तो फिर बाद में क्या करते हैं हम स्लैब को हम क्या करते हैं उसमें कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो उसका कुछ पोर्शन क्या होता है वहां पर बीम में भी कॉन्क्रीटिंग का आ जाता है ठीक है अगर मैं फ्लैंज बीम की बात करूं तो यहां पर क्या होता है ना यहां पर एक टर्म याद रखिएगा कि यहां पर आपके पास जो कास्टिंग होती है वो कैसे होती है मोनोलिथिक होती है ठीक है जो कास्टिंग होती है वो कैसे होती है आपके पास मोनोलिथिक होती है मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है मोनो मतलब आपके पास सिंगल यूनिट ठीक है वहां पर जो यहां पर जो कास्टिंग होगी फ्लैंज बीम में वो कैसे होगी आपके पास मोनोलिथिक कास्टिंग होगी मतलब आपने जो बीम जो तैयार किया ठीक है अगर मैं बात करूं यहां पर ये बीम है और ये क्या है आपके पास ये स्लैब है ठीक है ये बीम है आपके पास और ये क्या है ये स्लैब जा रहा है आगे पे और भी बीम आ सकती है तो यहां पर आपने इसका री आपने तैयार किया होगा ठीक है आपने यहां पर क्या किया होगा इसका री आपने तैयार किया होगा और साथ ही साथ इसमें भी रे जा रहा होगा ठीक है स्लैब में भी रे जा रहा होगा अब यहां पर आपने क्या किया जब आपने बीम जब बनाया ना तो कॉन्क्रीटिंग उस टाइम पर नहीं की ठीक है जब आपने रेनफोर्समेंट वगैरह ले डाउन किया तो आपने आपने को जब तो डाला बीम में तो वहां पर आपने क्या किया कॉन्क्रीटिंग आपने नहीं किया आपने पूरा स्लैब का वो रेनफोर्समेंट वगैरह पूरा तैयार होने के बाद दोनों बीम और स्लैब के रेन्फोर्समेंट को ज्वाइन करने के बाद एक साथ क्या किया हमने यहां पर एक साथ हमने क्या किया यहां पर हमने कॉन्क्रीट को कास्ट किया ठीक है डायग्राम ऐसा बनेगा नहीं मैं जस्ट ऐसी आपको समझा रहा हूं ठीक बेसिकली क्या किया हमने यहां पर री इन्फोर्समेंट स्लैब और बीम की हमने एक साथ तैयार किया जब कॉन्क्रीटिंग की बारी आई तो हम यहां पर कैसे कर रहे हैं कास्टिंग कैसे हो रही है यहां पर मोनोलिथिक कास्टिंग हो रही है ठीक है मतलब यहां पर बीम को हमने पहले मैंने पहले क्या बोला था कि पहले हम यहां तक क्या करेंगे इसको कॉन्क्रीटिंग कर देंगे फिर बाद में हम जब स्लैब की कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो उसकी यहां पर बीम में भी थोड़ी सी उसकी क्या होगी कॉन्क्रीटिंग वहां पर देखने को मिलेगी तभी दोनों के क्या होगा वहां पर फिक्सिंग उसमें फिक्सिंग वगैरह ज्वाइनिंग अच्छे से होगी लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम पूरी जो कास्टिंग है वो सबको क्या कर रहे हैं हम एक साथ कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं सर क्योंकि इससे क्या होगा आपके पास जो रजिस्टिंग जो स्ट्रेंथ होती है वो और ज़्यादा होती है डक्टिलिटी जो होती है वो और ज़्यादा आपको देखने को मिलती है तो जनरली जब भी हम प्रैक्टिस जब भी हम बनाते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर तो वहां पर हम जो बीम और स्लैब की जो कास्टिंग होती है वो जनरली हम क्या करते हैं इन प्रैक्टिस हम वहां पर मोनोलिथिक कास्टिंग करते लेकिन मैंने मोनोलिथिक कास्टिंग मतलब हमने स्लैब का कंसिड्रेशन हमने एस मतलब सिंगल इनफोर्थ बीम में हमने देखा नहीं था फ्लैंज बीम में हमें क्या देखना पड़ेगा वहां पर हम एनालाइज करेंगे एज अ स्लैब के विथ को भी ठीक है तो बात करते हैं अगर मैं यहां पर अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊँ बीम और स्लैब का जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया यहाँ यहां मैंने क्या किया यहाँ पर ये यह मैंने बीम बनाया ठीक है ठीके? और अगर स्लैब को भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कैसे दिखेगा आपको ये क्या दिखेगा आपको एज अ स्लैब का भी आपको यहां से बीम और स्लैब का कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे टाइप का रहेगा ठीक है तो ये क्या दिख रहा है आपको देख ले ये जो है आपके पास ये क्या आपके पास ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना ये क्या आपके पास ये बीम है और ये वाला जो पोर्शन जो पूरा आ रहा है वो क्या है आपके पास ये है आपके पास पूरा स्लैब ठीक है ये क्या आपके पास ये है आपके पास पूरा स्लैब ठीक तो अगर मैं बात करूं आपसे यहां पर मैंने बीम और स्लैब दोनों को मैंने देखो डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया लेकिन आप समझिए यहां पर हुआ क्या है कि मैं पहले आपसे सिर्फ ये रेक्टेंगुलर बीम के बारे में ही बात कर रहा था जब मैं सिंगली इन बीम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सारे डायग्राम में मैंने आपको ऐसा बना के शो किया था मैं वहां पर सिर्फ रेक्टेंगुलर बीम के बारे में बात कर रहा था मतलब कौन सा ये वाला लेकिन अब क्या हो रहा है ये बीम के ऊपर पे स्लैब भी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा स्लैब का जो उसकी जो हाइट होगी और ये क्या हो जाएगा उसका जो विथ होगा साथ ही साथ में ये क्या आपके पास जो लेंथ है स्लैब का टू डायमेंशन में अपन देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है आपके पास मैंने दोनों को मैंने कैसे किया है दोनों को मैं मोनोलिथिक क्या कर रहा हूं यहां पर कास्टिंग करूंगा तो दोनों को मैंने क्या किया साथ में यहां पर बनाया है ये बीम और स्लैब को समझ में आ रहा है आपको ठीक है तो ये जो मैं पहले जो सिंगली रिनफोर्स बीम जब बनाता दिखाता था वो रेक्टैंगर वो यही वाला है वो क्या है आपके पास यहां पर आपके पास क्या लगा है री लगी हुई है ठीक है वो क्या लगा है यहां पर री लगी हुई है लेकिन इसके ऊपर भी आप देख रहे हो तो इसके ऊपर क्या आ रहा है स्लैब देखने को मिल रहा है यहां पर ठीक है तो अगर मैं बात करूं यहां से आपकी अगर मैं यहां से बात करूं आपके पास कि इसका अगर आप बोलोगे कि सर मोनोलिथिक अगर आप जो फ्लैंज बीम बना रहे हो उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताओ तो बेसिकली जो फ्लैंज बीम जो रहेगा ना वो दो टाइप के रहेंगे आपके पास एक आपके पास रहेगा टी बीम और एक आपके पास रहेगा एल बीम ठीक है एक आपके पास क्या रहेगा एल बीम अब जब इंटरमीडिएट बीम को जब आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट बीम को अगर आप देख रहे हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ मैंने सेक्शन काटा तो देखिए ये कैसा दिख रहा है एज अ टी शेप दिख रहा है कैसा दिख रहा है एज अ टी शेप दिख रहा है तो ये क्या है आपके पास ये है आपके पास टी बीम सिमिलरली अगर मैं यहाँ से ये सेक्शन की अगर मैं यहाँ से काटूँ ये सेक्शन को अगर मैं यहाँ से काटूँ तो ये वाला सेक्शन कैसा दिख रहा है आपको ये सेक्शन दिख रहा है आपको एज आ इन्वर्टेड बीम दिख रहा है उल्टा क्या दिख रहा है ये एल दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है आपको ये दिख रहा है आपको टी बीम ठीक है तो बेसिकली हम ये दोनों बीम के बारे में बात करेंगे टी बीम जो कि इंटरमीडिएट रहेगा और आपके पास एंड में जो रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास एल बीम तो इसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है अगर मैं स्लैब के अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसको जैसे मान लीजिए मैं बोल दे रहा हूं ये क्या आपके पास एस वन एस वाले जो लेंथ है इसको मैं बोल दे रहा हूं ये क्या आपके पास एस टू है ठीक अगर मैं सिर्फ टी बीम को अगर मैं एनालाइज कर रहा हूं तो यहां पर होता क्या है कि आपके पास ये जो विथ है इसको हम बोलते हैं ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेब इसको हम क्या बोलते हैं वेब सिमिलरली ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फ्लैंज ठीक है चलिए डायग्राम थोड़ा सा कंबरसम हो गया आगे अपन देखते हैं एक अच्छा सा डायग्राम देखते हैं तो यहां पर मैंने क्या बताया आपको मैंने आपको बताया कि यहां पर टी बीम के बारे में अगर मैं देखूं ठीक है ये क्या दिया है मैंने ये क्या है आपके पास एक टी बी में यहां पर आपके पास कुछ री रहेगी इस वाले सेक्शन को हम क्या बोलते हैं इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फ्लैंज और इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वेब ठीक है वेब को मैं डिनोट करूंगा डब्लू से फ्लैंज को मैं डिनोट करूंगा किससे एफ से तो ये क्या आपके पास ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपके पास डेप्थ है किसकी फ्लैंज की तो मैं इसको डिनोट करूंगा किससे डी एफ से सिमिलरली ये क्या आपके पास ये विथ है किसका वेब का तो इसको मैं डिनोट करूंगा किससे बी डब्ल्यू से ठीक अब यहां पर आपके पास आता है यह क्या आपके पास ये टोटल है ठीक है फ्लैंज की क्या है आपके पास जो एक्चुअल विथ या फिर टोटल विथ आप बोल सकते हो बी जो है वो क्या है आपके पास एक्चुअल विथ ऑफ फ्लैंज एक्चुअल वेट ऑफ फ्लैंज डी एफ क्या आपके पास डी एफ आपके पास है डेप्थ ऑफ फ्लैंज डेप्थ ऑफ बी डब्ल्यू की बात करूं ये क्या आपके पास विथ ऑफ विथ ऑफ वेब ठीक है अब अगर मैं इसकी टॉप से लेकर अगर मैं रिइंफोर्समेंट तक की बात करूं तो वो क्या होता है आपके पास इफेक्टिव डेप्थ होता है वो क्या होता है आपके पास इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम ये क्या आपके पास ये है आपके पास इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी तो पता ही है इसको हमने डील किया हुआ था पहले चलिए समझ में आया फ्लैंज और वेब समझ में आया सिमिलरली अगर मैं एल बीम के बारे में भी देख रहा हूं अगर मैं एल बीम के बारे में देख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ये भी अगेन सेम हो जाएगा विथ ऑफ फ्लैंज और ये क्या हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा विथ ऑफ सॉरी ये क्या हो जाएगा विथ ऑफ वेब और ये क्या हो जाएगा आपके पास टोटल एक्चुअल विथ ऑफ वेब सॉरी फ्लैंज ठीक है तो ये समझ में आया आपके पास ये क्या कर रहा हूं मैं आपके पास बीम और स्लैब को मैंने क्या किया दोनों को मैंने मोनोलिथिक क्या किया यहां पर कास्ट किया तो उसके लिए मैंने दोनों को मैं प्रिपेयर करूंगा साथ में पूरे रेनफोर्समेंट वगैरह और, और उसके बाद में कास्टिंग क्या करूंगा दोनों को एक साथ यहां पर कास्ट करूंगा ठीक है अब यहां पर बात आती है आपके पास कि जो एक्चुअल विथ ऑफ जो फ्लैंस जो है ठीक है चलिए यहां पर इसको फिर से थोड़ा सा बना देता हूं चलिए एक्चुअल विथ ऑफ फ्लैंस के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे अगर मैं यहां पर बोला कि आप मेरे को बताइए एक्चुअल विथ ऑफ फ्लैंज क्या है ये क्या आपके पास बी डब्ल्यू तो ये क्या था आपके पास ये एस वन था ये एस टू था एस वन एस टू के आपके पास स्पैन ऑफ द क्या है ये जो स्लैब है उसके स्पैन है ठीक है एस वन एस टू के आपके पास स्लैब के स्पैन है बी डब्ल्यू क्या है आपके पास ये जो वेब है उसका क्या आपके पास विट्थ है अगर मैं बात करूं यहां पर कि आप मेरे को बताइए कि आपके पास जो एक्चुअल जो विथ्थ आ रही है इस फ्लैंज की इस फ्लैंज की जो एक्चुअल वेथ आ रही है आपके पास इस्मॉल बी आपके पास जो आ रहा है उसकी आप बोलोगे कि सर इसकी वैल्यू बताइए तो इसकी जो वैल्यू अपन लेते हैं ठीक है यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बोला था एक सेक्शन काटने के लिए तो यहाँ से आपके पास जो विर्थ जो रहेगी उसकी जो वैल्यू रहेगी वो इसकी हाफ और इसकी हाफ प्लस ये वर्थ ऑफ विथ ऑफ वेब रहेगी तो वो कितना हो जाएगा एस वन बाय टू प्लस बी डब्ल्यू प्लस एस टू बाय टू ये क्या आपके पास ये है आपके पास एक्चुअल विर्थ ऑफ़ द फ्लैंज ठीक है टी बीम के बारे में बात कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा यहां से आप हाफ ले लीजिए इस वाले का भी हाफ ले लीजिए और साथ में सेंटर में क्या आ रहा है आपके पास बी डब्ल्यू आ रहा है तो सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एक्चुअल वेथ ऑफ द फ्लैंज हम ले लेंगे ठीक है तो यहां तक समझ में आपके पास डेप्थ क्या हो जाएगा फ्लैंज का ये आपका आपके पास डेप्थ हो जाएगा सिमिलरली ये क्या आपके पास वेथ ऑफ द वेब है अगर मैं एल बीम की बात करूं यहां से अगर मैं इसका सेक्शन मैंने काटा ये क्या है आपके पास ये एक्चुअल विथ ऑफ द फ्लैंज फॉर एल बी में तो उसके कितना होगा इसका हाफ ले लीजिए कितना हो ये? ये वाला width, ये width कितना हो जाएगा जाएगा ये ये प्लस वाला कितना ऑफ वेब तो इसको हम बोल बी डब्ल्यू ठीक है समझ में आया एक्चुअल विथ और डेप्थ ये सब के बारे में समझ में आया तो यहां पर आपने ये डी एफ आपको गिवन होगा ये आपको पता है और आपको बी डब्ल्यू भी आपको क्या होगा गिवन होगा ठीक है अब यहां पर अपना जो मेन जो टॉपिक आता है मेन जो आपके पास जो टॉपिक आता है वो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें आपको बोलता है कि आप मेरे को बताइए इफेक्टिव विथ इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैंज बताइए ठीक है फ्लैंज के विथ के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर मैंने आपको फ्लैंज के विथ के बारे में आपको बताया तो वो क्या बताया मैंने बी के बारे में बताया लेकिन ये क्या था ये एक्चुअल विट था टॉपिक क्या है आपके पास एफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैंज बताइए मतलब बी एफ को मैं क्या कर रहा हूं इसको डिनोट कर रहा हूं तो एफेक्टिव विट ऑफ फ्लैंज की अगर बात करूं इसमें एक और चीज देख लेते हैं अपन देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना यह कि आपके पास एस और एस टू के आपके पास जो स्लैब जो जा रही है जो स्लैब जो जा रही है ना उसका जो लेंथ है ठीक है इंटरमीडिएट सपोर्ट्स पे एस क्या हो जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ स्लैब कहाँ से कहाँ तक इस वाले से ये वाले सपोर्ट के बीच में क्लियर स्पैन है ठीक है ये क्या आपके पास क्लियर स्पैन है मतलब ये है आपके पास सेंटर से सेंटर ठीक है सिमिलरली एस टू मतलब सेंटर सेंटर नहीं सॉरी एंड टू एंड मतलब ये सपोर्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे एंड हो रहा है वो दोनों के बीच में ये क्या आपके पास क्लियर स्पैन है एस टू के आपके पास इस वाले स्पैन का आपके पास लेंथ है तो ये स्लैब का हो गया अगर मैं बीम के बारे में बात करूँ तो देखिए बीम कैसे जाएगी आपके पास ये तो पूरा स्लैब ऐसे मूव कर रहा है बीम कैसे मूव करी कर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली जो बीम है ये पूरी पीछे तक जाएगी पूरी पीछे तक जाएगी स्लैब के एंड तक सिमिलरली ये वाली जो बीम है ये भी कैसे होगा ये वाली बीम भी पूरे एंड तक जाएगी सिमिलरली ये वाली जो बीम है ये भी क्या होगा आपके पास ये भी पूरा क्या होगा आपके पास एंड तक जाएगा पूरे मतलब पूरे स्लैब को ये क्या करेगा वहां पर सपोर्ट करेगा ना ऐसा तो नहीं है सिर्फ इसी पॉइंट पे सपोर्ट करेगा लैटरली पूरा बीम क्या होगा पूरे मूव पूरे डिस्टेंस में मूव करेगा तो इसकी जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एल एल क्या है आपके पास एल है आपके पास स्पैन ऑफ बीम ठीक है एल क्या है आपके पास स्पैन ऑफ बीम ठीक है तो यहां पर यहां एक टर्म के बारे में बताऊंगा वो है आपके पास एल नॉट एल नॉट होता है आपके पास इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम ठीक है अब आप बोलोगे सर इफेक्टिव स्पैन क्या होता है इफेक्टिव स्पैन वो होता है ना कि अगर आपके पास जब आप लोडिंग लगा रहे हो ठीक है जब आप लोडिंग लगा रहे हो तो क्या होगा आपके पास उसमें क्या होगा आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप देखोगे कि जो डिस्टेंस दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर के बीच की है उसको हम क्या बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन इसका मतलब क्या है इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फ्लेक्चर मतलब पता है ना आप लोग को पढ़ चुके हो पहले ऐसे सॉम uh, अगर आपने पहले पढ़ चुका है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मतलब कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो होता है जहां पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट क्या होता है वो वाला पॉइंट होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना होता है आपके पास जीरो होता है ठीक है तो ये क्या था आपके पास बीम की जो स्पैन है जो बीम की जो स्पैन जो लेटरली जो मूव कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम एल से डिनोट किए हैं एल नॉट क्या है उसका इफेक्टिव स्पैन है अगर मैं स्लैब की स्पैन की बात करूंगा तो उसको मैंने किससे डिनोट किया उसको मैं एस वन एस टू स्लैब ऐसे मूव कर रहा है स्लैब ऐसे मूव कर रहा है पूरा यूनिट और जो बीम जो है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है तक? तो, तो यहां पर डायग्राम आपको उतना मजा नहीं आ रहा है लेकिन चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी ठीक है तो पहले बेसिकली हम सिर्फ सिंगली रिन्फोर्स बीम देखते थे यहां पर क्या हो रहा है उसके ऊपर हमने स्लैब के इफेक्ट को भी हमने देख लिया क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कास्टिंग कैसे होगी मोनोलिथिक होगी तो ये क्या हो रहा है पूरा ये वाला जो यूनिट है ये क्या आपके पास स्लैब का हाइट हो गया और उसके बाद बीम पूरा लैटरली जा रही है और स्लैब कैसे मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस यहां पर लॉन्गिट्यूडली आप उसको बोल सकते हैं अब मैं क्या कर रहा हूं मैं इंडिविजुअल क्या कर रहा हूं मैं इस टी बीम को मैंने जो काटा है इस टीम बीम को मैंने यहां पर बनाया इंडिविजुअल हम क्या करेंगे टी बीम और एल बीम को हम एनालाइज करेंगे तो ये मैंने इफेक्ट बनाया था इसका इसका मैंने डायग्राम बनाया था उसके हमने सारे पैरामीटर्स देखे थे ये कि आपके पास डेप्थ ऑफ़ फ्लैंज ये क्या आपके पास एक्चुअल विथ्थ ऑफ द फ्लैंज ये क्या आपके पास विथ ऑफ वेब क्लियर है समझ में आया अब यहाँ पर तो आप मैं बोल रहा हूँ कि आपने क्या लिखा है यहाँ पर आपने लिखा कि सर ये बी के आपके जो 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 क्या आपके पास एक्चुअल विथ्थ ऑफ फ्लैंज लेकिन हमारे पास जो मेन जो टॉपिक जो स्टार्ट हो रही है वो क्या है आपके पास इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैंज अब इफेक्टिव विथ्थ ऑफ फ्लैंज है क्या उसके बारे में भी देख लेते हैं एफेक्टिव विट क्या है आपके पास चलिए मैं फिर से देखता हूं यहां पर ये यह मैंने क्या बनाया टी बीम बनाया ठीक है अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो ये जो विट है बी ये क्या है आपके पास बी डब्ल्यू और ये है आपके पास डी एफ मैं बहुत ना आराम से पढ़ा रहा हूँ ठीक है कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं अपन तो यूट्यूब में सिर्फ समझने के लिए पढ़ रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम एक के लिए पढ़ा रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे लेक्चर देखो और एक महीने बाद आपका गेट है ये गेट दे के आ जाओ ऐसा नहीं है मैं पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा डायग्राम वाइग्राम अपन अच्छे से बना रहे हैं यहाँ पर ठीक है ये क्या यहाँ पर री इन्फोर्समेंट मैंने लगा दिया चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर क्या करना है हमें एफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैंस के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं ठीक है देखिए बेसिकली क्या होगा आपके पास इसके ऊपर जब लोड आएगा ठीक है स्लैब का क्या होगा लोड आएगा इसके ऊपर स्लैब का पूरा जो पूरा जो लोड आएगा ना बेसिकली होता है क्या है यहाँ पर उसका अगर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ उसका मैं किसके बारे में बात करूँ उसका अगर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो उसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि आपके पास जो स्ट्रेस जो आता है मैक्सिमम जो स्ट्रेस आता है वो कहां पर आपको देखने को मिलता है जो वेब जो पोर्शन होता है ना आपका जो वेब जो पोर्शन होता है वहां पर क्या होता है आपको मैक्सिमम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है ठीक है अब इसको मैं क्या कर रहा हूं आई एस कोड ने क्या बोला इसको कि आपके पास एंड में क्या हो रहा है आपके पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आप जो देख रहे हो वहां पर क्या हो रहा है आपको कम देखने को मिल रहा है और वेब में आपको क्या देखने को मिल रहा है स्ट्रेस जो डिस्ट्रीब्यूशन जो आ रहा है मैक्सिमम कहां पर देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है वेब के ऊपर अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया तो इसके बारे में अपन समझते हैं बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास जब आप लोड लगाओगे यहाँ पर ठीक है जब आप क्या करोगे यहाँ पर लोड लगाओगे तो होगा क्या सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पर प्रोवाइड होगी वहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पर प्रोवाइड होगी इस सेक्शन में ठीक है बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर लोड लगाया ठीक है लोड में लगाया तो यहाँ पर क्या होगा इस वाले से ज्यादा ये वाला जो डिस्टेंस है वेब का ये क्या आपके पास विथ जो है वेब की इसके कुछ आगे तक क्या होगा वहां पर बेंडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि क्या है यहाँ पर आपने बीम लगाया हुआ है बीम लगाया तो जो भी आप लोड लगाओगे वो क्या कर लेगा तुरंत पूरा का पूरा उसमें क्या करेगा रेजिस्ट कर लेगा ठीक है तो यहां पर इस सेक्शन में विट ऑफ द वेब तक का पूरा रेजिस्ट कर लेगा लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना जैसे जैसे आप आगे जाओगे उसका जो रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है वेब का वो क्या होता जाएगा कम होता जाएगा तो आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा बेंडिंग देखने को मिलेगा ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं आपने यहां पर लोड लगाया पूरे उसमें पूरे फ्लैंज में क्या हो रहा है आपने लोड आ रहा है स्लैब का ठीक है अब हो क्या रहा है आपके पास जो लोडिंग जो आ रही है यहां पर जो भी एक्सटर्नल जो लोडिंग आ रही है तो यहाँ पर तो आपके पास बीम है बीम क्या कर देगा उसके लोड को क्या कर लेगा पूरा रजिस्टर कर लेगा लेकिन इस वाले सेक्शन में क्या आपके पास बीम है नहीं तो जो लोड जो यहाँ पूरा रजिस्ट कर ले रहा था आगे आगे जाके क्या होगा वहाँ पर रेजिस्टेंस वहाँ पे कम होते जाएगी तो वहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा आते जाएगा ठीक है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो कुछ सेक्शन के बाद ये क्या हो रहा है कैंटिलीवर टाइप का दिख रहा है आपको कुछ सेक्शन के बाद क्या होगा यहाँ पर आपको बेंडिंग देखने को मिलेगी सिमिलरली यहां पर भी क्या देखने को मिलेगा आपको बेंडिंग देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से ठीक है कुछ इस टाइप से क्या देखने को मिलेगा आपको यहां पर बेंडिंग देखने को मिलेगा लेकिन ये वाला जो रीजन है ये वाला जो रीजन है ये वाला जो रीजन क्या कर ले रहा है उसको अच्छे से क्या कर ले रहा है उसको रेजिस्ट कर ले रहा है वहां पर आपको बेंडिंग देखने को नहीं मिल रही है तो इसी वाला जो रीजन जो मिला है ये वाली जो विट आपको मिली है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव जो इफेक्टिव है ठीक है रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड कर रहा है जिस जो विथ आपकी इफेक्टिव है उसको हम क्या बोल रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैच लेकिन जैसे आप दूर दूर जाते जाओगे मोमेंट क्या होगा आपके पास बढ़ते जाएगा जो बेंडिंग होगी वो क्या होगी आपके पास ज्यादा आ जाएगी तो यहां पर क्या होगा आपको बेंडिंग आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो इस वाले जो आपके पास जो विथ जो आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं इफेक्टिव विथ तो अगर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो अगर मैं यहीं से अगर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ इसको आप बना लेना इस डायग्राम को अगर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा देखने को मिल रहा है आपको मैक्सिमम कहां पर देखने को मिल रहा है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में कैसा दिख रहा है आपको सबसे मैक्सिमम दिख रहा है और एंड में क्या होगा आपके पास वो क्या होगा कम कम होते जाएगा तो जो भी एंड में रहेगा वो सबसे मिनिमम होगा उस वेब के ऊपर क्या रहेगा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा तो आई एस कोड ने क्या बोला कि सिंस ये क्या है आपके पास ये नॉन यूनिफॉर्म है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिख रहा है आपको ये दिख रहा है आपको नॉन यूनिफॉर्म तो आपने आई एस ने क्या बोला कि ये जो नॉन यूनिफॉर्म जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप क्या करिए उसको आप एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बना दीजिए उसको आप क्या करिए एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बना दीजिए मतलब अज्यूम कर लीजिए ये वाला ठीक है तो इसकी जो वेट है इसकी जो वेट है उसको हम क्या बोल रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं इफेक्टिव विट्थ ऑफ फ्लैंज मतलब ये वाला जो पार्ट था इसको उठा के मैंने कहाँ पर रख दिया यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था इसको कट करके मैंने कहाँ पर कर दिया यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया उसके स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को तो अब इसकी जो विट्थ है उसको हम क्या बोल रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं इफेक्टिव विट्थ ऑफ द फ्लैंज समझ में आया क्लियर है तो इफेक्टिव विथ ऑफ तो फ्लैंस समझ में आया कि आपके पास वो वाला जो वेट है जो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दे रहा है जहाँ पर आपको बेंडिंग देखने को नहीं मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं अफेक्टिव वेट ऑफ द फ्लैंज और ये हमेशा पूरा जो डिस्टेंस था वो क्या था आपके पास एक्चुअल वेट तो आपको हमेशा एफेक्टिव वेट ऑफ फ्लैंज जो है वो हमेशा क्या देखने को मिलेगा एक्चुअल वेट ऑफ फ्लैंज जो था उससे कम ही देखने को मिलेगा क्लियर है यहां तक तो आप यहां पर लिख सकते हो कि आपके पास जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो हमें देखने को मिल रहा था कि वेब के ऊपर जो था स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमें ज्यादा देखने को मिल रहा था मतलब वहां पर रेजिस्टेंस वहां पर क्या हो रही थी वहां पर ज्यादा मिल रही थी बेंडिंग वहां पर नहीं आ रहा था और वही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड में क्या सबसे लीस्ट दिखने को मिल रहा था मतलब कैसा था आपके पास नॉन यूनिफॉर्म था तो इसको एनालाइज करने के लिए हमने क्या किया एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमने अज्यूम किया ये जो रेड वाले मार्ग से मैंने क्या किया यहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को अज्यूम किया तो ये वाले पोर्शन को मैंने यहां पर लोकेट किया तो एक कॉम्पैक्ट हो गया यूनिफॉर्म जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया कम हो गया उसकी जो विथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे एफेक्टिव विथ ऑफ द फ्लैंस क्लियर समझ में आया तो ये क्या था आपके पास ये जो मैंने सिर्फ एक ही जो बनाया उसको मैं क्या बोलता हूं आइसोलेटेड आइसोलेटेड टी बीम ठीक है तो अगर मैं बी एफ के बारे में बात करूं इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैंस के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं किसके बारे में बता रहा हूं मैं आइसोलेटेड टी बीम के बारे में बता रहा हूं तो अगर मैं आइसोलेटेड टी बीम के अगर मैं इफेक्टिव वेट ऑफ लैं के बारे में बात करूँ तो इसका जो फॉमूला होता है वो कितना दिया है आयुष कोड ने वो दिया है एल नॉट अपॉन एल नॉट बाय बी प्लस फोर प्लस बी डब्ल्यू ठीक है आपको मैंने ये सारे टर्म्स बता दिए थे एल नॉट क्या होता है आपके पास एल नॉट मैंने आपको बताया था इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम ठीक है एल क्या है आपके पास लेंथ ऑफ द बीम है ये बीम पूरे स्लैब को जो सपोर्ट कर रहा है वो क्या आपके पास लेंथ ऑफ द बीम है एल नॉट के आपके पास इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम है इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम मतलब ये वो वाला बीम का स्पैन है जहां पर आपको दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा के बीच का आपने क्या लिया वहां पर डिस्टेंस को लिया है ठीक है तो वो क्या है आपके पास एल नॉट के आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पैन ऑफ बीम है ठीक और उसके बाद अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो बी क्या बताया था मैंने एक्चुअल विड्थ ऑफ एक्चुअल विथ ऑफ फ्लैंज बताया था उसका मैंने फॉर्मूला बताया था कितना इसके सेंटर से इसके सेंटर तक आप ले लीजिए जो स्पैन जो है स्लैब का उसके सेंटर से इसके सेंटर तक आप ले लीजिए बी डब्ल्यू क्या आपके पास बी डब्ल्यू है आपके पास वेट ऑफ द वेब ठीक है तो यहां पर एल नॉट बत, मैं बता दे रहा हूं एल नॉट की वैल्यू इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम के बारे में जो बताया मैंने उसकी वैल्यू आप ले लेना एल के बराबर ही लेना अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है तो अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आप एल नॉट की जो वैल्यू है एल नॉट के आपके पास इफेक्टिव स्पैन की जो वैल्यू है वो एल के बराबर ले लेना अगर आपके पास कंटीन्यूस है कंटिन्यूस बीम वगैरह है तो आप एल नॉट की वैल्यू कितना ले लेना ले पॉइंट सेवन एल ठीक है एल नॉट की वैल्यू कितनी ले, ले लेंगे आप पॉइंट सेवन एल बी के बारे में बता दिया था जो स्लैब का जो स्पैन है उसके सेंटर से सेंटर जनरली ये जो बी है ये आपके क्वेश्चन वगैरह में गिवन होगा ठीक है हो कोई वरी नहीं करना यहाँ से और bw क्या आपके पास bw क्या आपके पास ये आपके पास विड्थ ऑफ द वेब वेब जो है उसका जो वेट है वो भी आपको गिवन रहेगा तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे आप bf की वैल्यू निकाल लेंगे ये क्या था आपके पास आइसोलेटेड टी बीम सिमिलरली अगर मैं आइसोलेटेड एल बीम के बारे में बात कर रहा हूँ, आइसोलेटेड एल बीम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसका जो आपके पास इफेक्टिव विड्थ आएगा फ्लैंच का वो क्या है आपके पास देखिए एल बीम मतलब सिर्फ यहां से यह वाले पोर्शन को हटा दीजिए फ्लैंज का आप क्या लीजिए सिर्फ इतना वाले पोर्शन को ही आप एनालाइज़ करिए तो जनरली आपको बोल सकते हो कि जो एल बीम है वो टी बीम का क्या है हाफ़ है बट एक्चुअली में हाफ़ है नहीं तो यहां पर आप इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ फॉर्मूला याद करने के लिए बोल रहा हूँ तो बी एफ की जो वैल्यू है वो एल नॉट के पहले क्या लेना पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर देना पॉइंट फाइव एल नॉट अपॉन एल नॉट बाय बी प्लस फोर प्लस बी डब्ल्यू ठीक है जनरली आप ऐसा याद करने के लिए आप बोल सकते हो कि मैंने एल बीम को मैंने क्या किया टी बीम का मैंने लेंथ जो था उसको मैंने हाफ ले लिया ठीक है जनरली ऐसा है नहीं बस मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कितना ले लेना आप जस्ट पॉइंट फाइव को आप इंट्रोड्यूस कर लेना कौन से फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले से एल नॉट के लिए ऊपर न्यूमिनेटर में पॉइंट फाइव से सबके इसको मल्टीप्लाई कर लेना बाकी फार्मूला पूरा सेम है टी बीम का ही क्लियर है समझ में आया तो हमने यहाँ पर इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज हमने देख लिया अब नेक्स्ट आपके पास आता है थर्ड केस अगर आपके पास कंटिन्यूस बीम है अगर आपके पास क्या है कंटिन्यूस बीम है आइसोलेटेड टी बीम के बारे में मतलब बता रहा हूँ तो मैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है सिर्फ एक ही बीम आपको देखने को मिल रही है कौन सी वो एक आइसोलेटेड बीम है कंटिन्यूअस बीम के बारे में बता रहा हूँ तो वहाँ पर नंबर ऑफ बीम्स अगर आपके पास रही तो उस केस में अगर टी बीम के बारे में अगर आप देख रहे हैं अगर आप टी बीम के लिए देख रहे हैं तो जो बी एफ जो रहेगा उसकी वैल्यू होती है आपके पास एल नॉट बाई सिक्स प्लस बी डब्ल्यू प्लस सिक्स इंटू डी एफ बी एफ की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी एल नॉट बाई सिक्स प्लस बी डब्ल्यू प्लस सिक्स इंटू डी एफ सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एल बीम के लिए देख रहा हूँ ठीक है सिमिलरली मैं किसके लिए देख रहा हूँ मैं एल बीम के लिए अगर मैं देख रहा हूँ ये कि आपके पास ये टी बीम के लिए देखा अगर मैं एल बीम के लिए बोलूँ तो यहाँ पर जो बी एफ की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास एल नॉट बाई ट्वेल्व प्लस बी डब्ल्यू प्लस थ्री इंटू डी एफ ठीक है समझ में आपका कि यहां पर कंटिन्यूस बीम जब आप रहेगा तो आप बी एफ की वैल्यू टी बीम के लिए कितना लोगे एल नॉट बाय सिक्स प्लस बी डब्ल्यू प्लस सिक्स डी एफ सिमिलरली अगर आप एल बीम में रहोगे तो यहां पर मैंने फर्स्ट और थर्ड टर्म को टी का मैंने जस्ट हाफ ले लिया ठीक है टी बीम का जो था जस्ट हाफ ले लिया इसको अगर मैं फर्स्ट टर्म को अगर मैं डिवाइड बाई टू करूंगा तो एल नॉट बाई टू एल आएगा सिमिलरली थर्ड टर्म को अगर मैं डिवाइड बाई टू करूंगा तो एल नॉट बाय सॉरी ये कितना आ जाएगा थ्री डी एफ ये कोई लॉजिक नहीं है ये आई एस कोर्ड ने फॉर्मूला दिया हुआ है बेस्ड ऑन क्या है ये आई एस फोर फाइव सिक्स बेस्ड ये क्या है आपके पास आई एस फोर फाइव सिक्स आपने जो विट जो माना गया है वो उसके जो कंटिन्यूस लिए वैल्यू कितनी है ये वाली माना गई है ठीक है सिमिलरली आप इसका जो बी जो एक्चुअल विट जो मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला लिखा था कितना उस लिखा था एस वन बाय टू प्लस एस टू बाय टू प्लस बी डब्ल्यू और यहां के लिए अगर मैं बी एक्चुअल विट कितना बताया था मैंने इसके लिए बताया था मैंने एस वन बाई टू प्लस बी डब्ल्यू मिनिमम होना चाहिए दोनों का ठीक है ये दोनों का क्या होना चाहिए आपके पास मिनिमम होना चाहिए जनरली आपके पास इफेक्टिव विट ऑफ प्लान जो है वो जनरली आपके पास एक्चुअल वेट से तो कम ही आएगी लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा आ गई इनकेस अगर आप कोई फॉर्मूला पुट किए ज़्यादा गई तो आप एक्चुअल वेट को ही ले लेना ले लेकिन जनरली क्या होगा आपके पास बी एफ की जो वैल्यू रहेगी ऊपर वाली ही आएगी समझ में आया वैल्यू समझ में आई क्योंकि सारी सबसे पहले आइसोलेटेड टी बीम मैंने बताया उसका फॉर्मूला क्या है बी एफ का एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस फोर प्लस बी डब्ल्यू आइसोलेटेड एल बीम का सेम है जस्ट मल्टीप्लाई कैसे कर देना न्यूमरेटर को पॉइंट फाइव से मतलब वन बाई टू से कंटिन्यूस बीम में टी बीम का जो फॉर्मूला है वो एल नॉट बाई सिक्स प्लस बी डब्ल्यू प्लस सिक्स डी एफ एल बीम में बी एफ का फॉर्मूला एल नॉट बाई ट्वेल्व प्लस बी डब्ल्यू प्लस थ्री डी एफ तो ये क्या था आपके पास इफेक्टिव विथ ऑफ जो फ्लान जो है उसके बारे में हमने डिस्कशन यहां पर किया तो जब भी आप कंसिडर करोगे जब भी आप एनालिसिस करोगे आप हमेशा जो इसकी जो विथ आप लोगे फ्लैंज की जो विथ लोगे आप हमेशा आप इफेक्टिव विथ ही लोगे फ्लैंज की कभी भी आप एक्चुअल विथ पे आप काम नहीं करोगे हमेशा आप किस कौन सी वैल्यू कंसीडर कंसिडर करोगे हमेशा आप इफेक्टिव विट ऑफ फ्लैंज को ही कंसिडर करोगे तो मतलब सबसे पहला स्टेप जो रहेगा आपका अगर इसमें नहीं दिया क्वेश्चन में अगर आपको बी की वैल्यू नहीं दिए तो आप उसको इफेक्टिव वेट ऑफ फ्लैंज आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि हम वहाँ पर एनालिसिस में हम इस वाली वैल्यू को होल्ड कंसिडर नहीं करते हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करते हैं हम ये वाली वैल्यू को कंसिडर करते हैं ठीक है तो ये था आपके पास इफेक्टिव वेट ऑफ फ्लैंज इसके बाद अपन बात करते हैं एनालिसिस की ठीक है एनालिसिस को अपन देख लेते हैं चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं एनालिसिस मैंने आपको अच्छे से बता दिया था सिंगली इनफोर बीम का और मैंने आपको वहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया था डबली इनफोर बीम का भी डिस्कस किया था लेकिन अगर मैं बात करूँ एनालिसिस ऑफ फ्लैंज बीम की में बात करूँ तो इसका सिर्फ एक ही एनालिसिस कर नहीं सकते इसके बेसिकली दो पार्ट बनते हैं पहला पार्ट ये बनता है कि अगर आपका अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास सेक्शन जो है उस उसमें दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया आपका क्रॉस सेक्शन पहले हम रेक्टेंगुलर सेक्शन पढ़ते थे दोनों में चाहे वो सिंगली इनफोर बीम हो चाहे वो डबली इनफोर बीम हो लेकिन फ्लैंज में क्या हो रहा है आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं है वो एज अ हम टी सेक्शन का एनालाइज कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा दो पार्ट में हो गया एक आपके पास फ्लैंज का पार्ट हो गया दूसरा आपके पास क्या हो गया वेब का पार्ट हो गया तो डिपेंड करता है आपके पास कि आपका जो फ्लैंज का जो डेप्थ है ठीक है फ्लैंज का जो डेप्थ है मतलब डी की बात कर रहा हूँ उसका और न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ रहेगा मतलब एक्स की बात कर रहा हूँ तो एक्स और डी के रिलेशन पर डिपेंड करता है तो यहां पर दो केसेस बनते हैं पहला केस ये बनता है कि आपका जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज के अंदर ही आ जा रहा है ठीक है आपका जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पर आ रहा है फ्लैंज के अंदर आ जा रहा है दूसरा जो केस रहेगा वो आपके पास जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पर आ जा रहा है आपके पास वेब के अंदर आ जा रहा है ठीक है बात करते हैं यहाँ पर अच्छे से बताऊँगा इसमें तो यहाँ केस नंबर वन अगर मैं लिखूँ तो यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं कि आपके पास डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक्स यू की बात कर रहा हूँ lies lies in the flange section lies in the flange section ठीक है सिमिलरली केस टू में बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा वो आपका कि जो आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पर लाई कर रहा है वो फ्लैंज पे लाई नहीं कर रहा है वो कहां पर लाई कर रहा है उसके वेब के सेक्शन में लाई कर रहा है ठीक है तो यहां पर एनालिसिस अगर अपन स्टार्ट करें तो ये मैंने बनाया आपका टी बीम ये मैंने आपका टी बीम बना लिया यहां से ठीक है यहां पर क्या आपके पास यहां पर आपका रेनफोर्समेंट है अब अगर मैं बात करूं इसकी मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका जो एक्स यू जो है ये क्या आपके पास ये आपका है डीएफ सॉरी ये क्या आपके पास स्मॉल डी यहां पर अगर मैं इसको डिनोट करूं तो ये हो जाएगा आपके पास बी एफ हो जाएगा ठीक है मैंने आपको पहले बताया था कि जो विथ्थ लोगे आप पूरा जो एनालिसिस करोगे वो किस पे करोगे आप उसका इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लैंज लोगे ये क्या आपके पास दिस इज योर डेप्थ ऑफ फ्लैंज और ये क्या आपके पास दिस इज योर विथ्थ ऑफ वेब ठीक है अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि आपका जो न्यूट्रल एक्सेस आ रहा है वो कहां पर आ जा रहा है वो न्यूट्रल एक्सेस आ रहा है आपके पास फ्लैंज के अंदर पे ये फ्लैंज है और ये कि आपके पास वेब है न्यूट्रल एक्सिस जो आ रहा है वो कहाँ पर आ जा रहा है आपके पास फ्लैंज के अंदर तो अगर मैं इसका अगर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊँ इसका अगर मैं क्या बना रहा हूँ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से ये आपके पास ये टेंशन फोर्स है ठीक है और यहाँ से कुछ पोर्शन रेक्टेंगुलर और उसके बाद कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा वो वो हो जाएगा आपके पास पैराबोलिक तो यहाँ पर ये यह क्या आएगा आपके पास कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा दिस इज़ योर वॉट सी और ये क्या आपके पास टेंशन फोर्स तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसा केस होगा कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पर आ जा रहा है आपके पास फ्लैंज के सेक्शन के अंदर ही आ जा रहा है फ्लैंज के सेक्शन के अंदर आ जा रहा है वो वेब में नहीं आ रहा है तो आप उसको क्या कर लेना आप उसका जो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम होएगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा तो आप उसको कैसे डिजाइन करोगे आप उसको एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ही डिजाइन करोगे आप उसको क्योंकि देखिए ये ये जो जो आपके पास है न्यूट्रल एक्स इसके ऊपर आप देखोगे तो पूरा एज अ रेक्टेंगल ही दिख रहा है ठीक है उसके ऊपर कैसे दिख रहा है आपको पूरा रेक्टेंगल ही दिख रहा है सेक्शन तो यहां पर आप देख सकते इन दिस केस इन दिस केस डिजाइन द बीम डिजाइन द बीम एज अगली रिनफोर्स अंगलीम जब भी ऐसा जब भी केस है आपके पास न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लाई कर रहे हैं आपके पास फ्लैच के अंदर ही लाई कर रहे हैं तो आप उसको कैसा उसको डिजाइन करोगे आप उसको एज सिंगली रिनफोर्स बीम ही डिजाइन करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास जो सी की जो वैल्यू रहेगी सिंगली रिनफोर्स बीम के लिए कितनी होती थी पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के बी बी कौन सा लोगे आप यहाँ पर बिल्ट ऑफ द

एरिया ऑफ हम क्या लेते थे स्ट्रेस डायग्राम ले देते थे तो यहाँ पर क्या होता था आपके पास पॉइंट फोर फाइव एफ सी के आता था और उसके साथ हम क्या करते थे यहाँ पर उसकी विट से मल्टीप्लाई कर देते हैं विट कौन सी आपके पास यहाँ पर बी एफ आपकी क्या है वहाँ पर विट है तो इसलिए यहाँ पर आप बी एफ लोगे ना कि आप बी डब्ल्यू लोगे तो आप इसको ध्यान रखना हमेशा पूरे फ्लैंज बीम में आप सिर्फ जब भी विट के बारे में बात हो रही है तो आप कौन सा विट लोगे आप उसका इफेक्टिव विट ऑफ फ्लैंज लोगे एक्चुअल विट वगैरह मत ले लेना वहाँ पर गलत हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर समझ में आया चलिए अगर मैं इसका डिजाइन क्या होता है सिंगल इन तो कैसे कर देते हैं हम सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं हम निकाल देते हैं एक्स एक्स यू लिमिट फार्मूला क्या होता था आपके पास के इंटू डी के की वैल्यू कितनी होती थी आपके पास के की वैल्यू होती थी आपके पास पॉइंट फाइव थ्री डी पॉइंट फोर एट डी और पॉइंट फोर सिक्स डी किसके लिए ये होता था आपके पास एफ ई टू फिफ्टी के लिए ये होता था आपके पास एफ ई फोर वन फाइव के लिए और ये होता था आपके पास एफ ई फाइव हंड्रेड के लिए बार बार लिखवा रहा हूँ मैं क्यों ताकि आपको वैल्यूज आसानी से याद हो जाए सेकेंड टर्म में अपन क्या निकालते थे एक्स यू निकालते थे मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो एक्स यू क्या होता था सी इक्वल्स टू जब आप टी कर दोगे okay? तो आपको वहाँ से एक्स यू निकाल लेते थे तो एक्स यू का फॉर्मला कितना आता था एक्स यू का फॉर्मला आता था आपके पास पॉइंट एट सेवन एफ वाई इंटू ए एस टी अपॉइंट पॉइंट थ्री सिक्स इंटू एफ सी के इंटू बी की जगह क्या लिख लोगे आप बी एफ ठीक है थर्ड में अपन क्या करते थे यहाँ पर हम देख लेते थे कि आपके पास चेक कर लेना कि आपके पास एक्स यू अगर आपके पास लेस देन है एक्स यू लिमिट से तो कैसा बनाओगे आप उसको अंडर इन फोर सेक्शन आप उसको डिजाइन करोगे जब आपके पास एक्स यू इक्वल्स टू एक्स यू लिमिट है तो कैसा लिमिटिंग सेक्शन आप उसको डिज़ाइन करोगे या फिर बैलेंस सेक्शन जब आपके पास एक्स यूज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिट है तो वो कैसे टाइप का सेक्शन हो जाता है आपके पास ओवर इनफोर्स सेक्शन लेकिन ये तो प्रोहिबिट किए थे तो इसको डिजाइन डिजाइन मत करने से बेसिकली इसको क्या करना आपको इसको आप रीडिजाइन कर लेना मतलब वहां पर क्या करोगे आप उसकी वैल्यू को आप बढ़ा दोगे ठीक है तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से डिजाइन करते थे नेक्स्ट क्या देखेंगे हम उसका नेक्स्ट अपन देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखते थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता था हमारे पास अगर एम ओ आर की बात करूंगा मैं मोमेंट ऑफ़ रेजिस्टेंस तो अगर आप कंप्रेशन साइड से निकाल रहे हैं तो फॉर्मला क्या लिखोगे पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के डी एफ इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस पॉइंट फोर टू एक्स यू सिमिलरली अगर आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आप टेंशन साइड से देख रहे हो तो वो कितना हो जाएगा पॉइंट एट सेवन एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू कितना हो जाएगा लीवर आर्म कितना है डी माइनस पॉइंट फोर टू इंटू एक्स यू अब ये एक्स यू पर ध्यान देना अगर आप अंडर इनफोर सेक्शन अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो एक्स यू एक्चुअल ही यूज़ करोगे मतलब एक्स यू यूज़ करोगे अगर आप लिमिटिंग सेक्शन अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये एक्स यू कितना पुट करोगे आप एक्स यू लिमिटिंग अगर आप ओवर इनफोर सेक्शन अगर आप कर रहे हो तो भी आप वहां पर एक्स यू लिमिटिंग ही हम वहां पर पुट करते थे तो समझ में आया तो इस टाइप के सेक्शन के लिए आप क्या करोगे एज अ आप क्या बनाओगे एज अ आप सिंगली रिनफोर बीम ही जो हम यहाँ कंसिडर करते थे बस वहां पर बी की जगह आप क्या पुट कर दोगे वहां पर आप बी एफ की वैल्यू को क्या कर दोगे पुट कर देंगे क्लियर है तो इस टाइप से आप क्या करोगे पहला वाला केस आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा जब आपके पास डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो क्या होगा आपके पास लाइज इन द वेब सेक्शन अगर आपके पास रहेगा तो वहां पर अपन देखते हैं चलिए नेक्स्ट केस में अपन देखते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है इसमें आपको बताया है कि आपके पास पहले वाले केस में हमने देखा कि आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पर लाई कर रहा था फ्लैज में लाई कर रहा था लेकिन नेक्स्ट केस में ले लिया यहां पर क्या हो रहा है न्यूट्रल एक्सिस कहां पे लाई कर रहा है आपके पास वेब में लाई कर रहा है ठीक है तो मैं सेम बना देता हूं डी सेक्शन बनाया यहां पर मैंने क्या डाला यहां पर मैंने रिंफोर्समेंट डाल दिया ठीक है ये हमारे पास है इफेक्टिव ऑफ फ्लैंज ये हमारे पास डेप्थ ऑफ फ्लैंज ये हमारे पास वेथ ऑफ वेब क्लियर टोटल अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ कहाँ तक आ रहा है ये आपका कुछ इसके सेंटर तक आएगा ठीक है तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस आया वो कहीं पर कहां पर आया वो वो डेप्थ में आया सॉरी वो कहां पर आया वेब में आया ठीक है तो मैंने यहां पर यह न्यूट्रल एक्सिस मैंने क्या किया मैंने वेब में बना दिया न्यूट्रल एक्सिस में कहां पर बनाया हूं वेब में बनाया हूं पहले वाले सेक्शन में क्या किया था इसके पहले वाले केस में हमने न्यूट्रल एक्सिस को हमने लिया था फ्लैंज में चलिए यहां पर मैंने बनाया तो अगर मैं इसका बात करूं इसके स्ट्रेस डायग्राम के अगर मैं इसके स्ट्रेस डायग्राम की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये टेंशन फोर्स है और ये कि आपके पास ये न्यूट्रल एक्सेस है तो हमारे पास जो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम कैसा बनेगा ऊपर वाला शेप कैसा रहेगा आपके पास रेक्टेंगुलर और उसके बाद क्या होगा आपके पास उसके बाद आपके पास मिलेगा पैराबोलिक आपको शेप दिखेगा किसका ये पैराबोलिक uh, शेप दिखेगा स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का ठीक तो है तो हमने यहाँ पर ये यह तो बना दिया इसका जो स्ट्रेस होता है वो कितना होता है आपके पास पॉइंट फोर फाइव एफ सी के या फिर पॉइंट फोर फोर सिक्स एफ सी के ले लीजिए अब मैं यहाँ पर क्या बोला कि आपके पास ये जो एक्स यू जो है वो एक्स यू क्या हो रहा है आपके पास डी एफ से क्या हो रहा है आपके पास बड़ा आ रहा है क्लियर है यहाँ तक चलिए अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ये यह देखने को मिलती है कि आपके पास ये जो फ्लान सेक्शन है डी एफ जो है ये आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर आ रहा है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के बाहर आ रहा है मतलब पैराबोलिक सेक्शन में लाई कर रहा है मतलब ये वाली जो लाइन की अगर मैं बात करूँ ये क्या है मेरे पास ये डी है ठीक है ये डी की जो लाइन है ये वाली डी आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर आ रही है जैसे कि इस टाइप से यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है उसके बाद पैराबोलिक है कि आपके पास ये क्या हो रहा है आपके पास कि आपका पैराबोलिक रीजन के अंदर आ रही है मतलब आपके पास यहाँ पर आ रही है ऐसे तो हमें ये नहीं पता कि जो फ्लैंज जो है मतलब जो डी एफ जो है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर आ रहा है कि पैराबोलिक सेक्शन के अंदर आ रहा है रेक्टेंगुलर सेक्शन मतलब क्या होता है देखिए अगर मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाया तो रेक्टेंगुलर सेक्शन कहाँ तक आता है आपके पास थ्री बाय सेवन एक्स यू तक आता है ना एनालिसिस किया था हमने और तो पैराबोलिक सेक्शन कहाँ तक आता है आपके पास फोर बाय सेवन एक्स यू आता है तो हमें ये नहीं पता है कि आपके पास जो डी एफ है वो डी एफ आपके पास लेस देन थ्री बाय सेवन एक्स यू है मतलब लाइज विद इन द रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम या फिर हमारे पास जो डी एफ जो है वो ग्रेटर देन थ्री बाय सेवन एक्स यू है मतलब इट लाइज इन द पैराबोलिक स्ट्रेस सेक्शन ठीक है तो हमें ये वाला चीज़ नहीं पता है कि ये आया कहाँ पे ठीक है तो इसी कारण हमें क्या करना है हमें दोनों केसेस को हमें एनालाइज़ करना है ठीक है हमें दोनों केसेस को एनालाइज करना है मतलब केस नंबर वन मतलब इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ ए पार्ट बोल रहा हूँ इस केस के अंदर जब आपके पास वेब के अंदर क्या बने आपके पास न्यूट्रल एक्सेस आपके पास आ रहा है तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस लाइज इन वेब लाइज इन वेब एंड मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपके पास कि जो आपके पास जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो है जो डेप्थ ऑफ जो फ्लैंज जो है या फिर आप बोल दो कि जो फ्लैंज जो है आपके पास एंड फ्लैंज लाइज विद इन द विदिन द रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ स्ट्रेस डायग्राम विद इन द रेक्टेंगुलर पोर्शन विद इन द रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ स्ट्रेस डायग्राम ठीक है मैं आपको पहला जो केस बताया हूं इसके अंदर जो ए जो है वो क्या बोल रहा हूं कि आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस है मतलब आपके पास जो एक्स यू है वो ग्रेटर देन क्या है आपके पास डी एफ मतलब फ्लैंज से ज़्यादा है मतलब न्यूट्रल एक्सिस कहां पर आ गया आपके पास वेब सेक्शन में आ गया और दूसरा जो केस आपको जो बता रहा हूं इसके अंदर वो मैं आपके पास बता रहा हूं कि जो डी एफ जो है वो लेस देन है किससे से थ्री बाय सेवन एक्स यू से समझ में आया मतलब ये वाला जो फ्लैंज जो है ये वाला फ्लैंज कहाँ पर अब आ गया है कि जो रेक्टेंगुलर जो पोर्शन होगा उसके अंदर पे क्या होगा आपके अंदर उसकी हाइट के अंदर भी क्या मिल जाएगा आपको फ्लैंज क्या होगा आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अपन बात करते हैं अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करूँ तो इसका एनालिसिस अपन देखते हैं जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने यहाँ पर ये टी सेक्शन मैंने बनाया क्रॉस सेक्शन मैंने बना लिया टी का ठीक है अब क्या बोल रहा हूँ मैं मैं आपको बोला कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पर आ रहा है वो आपका आ रहा है कहां पर वेब में आ रहा है ठीक है न्यूट्रल एक्सिस कहां पर आ रहा है आपका वेब में देखने को मिल रहा है तो मैंने वेब में काटा न्यूट्रल एक्सिस को न्यूट्रल एक्सिस को कहां पर काटो मैं वेब में थोड़ा नीचे बनाता हूँ यार ठीक है पहले वाला सही था यहीं पर बनाते तो मैंने ये न्यूट्रल एक्सिस को मैंने वेब में डाल दिया अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये क्या है मेरे पास ये डी एफ है ये क्या है मेरे पास दिस इज बी एफ और ये क्या है मेरे पास बी डब्ल्यू आराम से पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं है ये क्या है मेरे पास दिस इज़ माई एक्स यू ये क्या है मेरे पास एक्स यू ठीक है ये केस है हमारे पास चलिए बात करते हैं अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं इसका हम क्या देखेंगे एनालिसिस देखेंगे अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहां पर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास जो स्ट्रेस डायग्राम जो है स्ट्रेस डायग्राम जो है वो क्या हो रहा है हमारे पास यहां पर मैं कहीं पर इन्फोर्समेंट डालूँ, तो ये यह यहाँ पर क्या हो जाएगा टेंशन इन्फोर्समेंट आ जाएगा अब इसके बाद ठीक है ये क्या है हमारे पास अब आप यहां पर देख रहे हो कि ये वाला जो रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है ये वाला जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है डी एफ जो है दिस इज़ माई थ्री बाय सेवन एक्स यू ठीक है ये फोर बाय सेवन है लेकिन डायग्राम मैं उतना अच्छे से बना नहीं पाया हूँ आप इसको और थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा रेक्टेंगुलर पोर्शन क्या बनाया हूँ मैंने डी आपका ये रेक्टेंगुलर सोश डी एफ क्या आपके पास इसके अंदर में ही आ जा रहा है रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है तो इसका अगर मैं एनालिसिस करूंगा ना तो बेसिकली इसका एनालिसिस कैसे करूंगा इसका एनालिसिस मैं बोलूंगा यहाँ पर कि इसको ना आप दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लो आप इसको क्या कर लो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो पहला पार्ट मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप इसको ऐसे अज्यूम कर लो वेब सेक्शन को मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो पूरी जो बीम है ये जो पूरी जो बीम है उसको मैं बोला दिस इज़ वन और ये वाली जो आपके पास जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको मैं बोल रहा हूँ सेक्शन नंबर टू ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आपके पास ये वाला जो फर्स्ट जो है फर्स्ट वाली really जो बीम है इसको मैं कैसे एनालाइज़ कर रहा हूँ इसको मैं बोल रहा हूँ इसको एज अ पूरा सिंगली रीनफोर्स बीम की तरह देख लो ठीक है यहां पर मैंने क्या किया रीनफोर्समेंट डाल दी तो ये क्या आपके पास विट कितना है दिस इज बी कितना आपके पास बी डब्ल्यू दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं कि जो रिमेनिंग जो सेकंड वाला जो पार्ट है फ्लैंज का ठीक है जो रिमेनिंग जो सेकेंड वाला पार्ट है फ्लैंज का उसकी अगर मैं विथ की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा टोटल विट कितना है मेरे पास इफेक्टिव विट कितना है बी एफ माइनस ये वाला पार्ट को अगर मैं रिमूव कर दूं मतलब किसको रिमूव करूं बी डब्ल्यू को तो बचेगा कौन सा पार्ट मेरे पास दो पार्ट बचेंगे दोनों को मैं ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो गया मेरे पास बी एफ माइनस बी डब्ल्यू मेरे पास बच गया और ये डेप्थ कितनी है मेरे पास डी एफ समझ में आया तो मैंने फ्लैंज को मैंने अलग कर दिया और मैंने वेब को मैंने अलग कर दिया लेकिन फ्लैंज की टोटल विथ्थ मैं ले पाऊंगा क्या नहीं क्योंकि फ्लैंज की टोटल विथ्थ में वेब भी इंक्लूडेड है तो बी एफ के अंदर में बी डब्ल्यू भी आ रहा है तो मैंने क्या किया यहाँ से बी एफ के अंदर का जो बी डब्ल्यू था उसको मैंने हटा के क्या किया मैंने वेब को मैंने पूरा अलग कर दिया अब इसका जो रिमेनिंग जो है ये क्या आपके पास बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाई टू ये क्या आपके पास बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाई टू सिर्फ फ्लैच को मैंने क्या किया यहाँ पर अलग से मैंने यहाँ पर बना दिया ठीक है अब अगर मैं इसका अगर मैं क्या किया इसका अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊँ इसका मैं क्या करूँ अगर स्ट्रेस डायग्राम बनाऊँ तो अब ये क्या हो गया आपके पास ये अगेन है आपके पास सिंगली रिन्फोर्स बीम हो गया ये कैसा हो गया आपके पास दिस इज योर सिंगली रिनफोर्स्ड बीम हो गया मतलब अगर आ, आप इसका अगर देखा जाए स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा ये सेक्शन टी है और ये क्या है आपके पास ये आपके पास ऐसा आएगा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको कंप्रेसिव फोर्स ये कितना मिलेगा पॉइंट फोर फाइव एफ सी के ठीक है और अगर मैं फ्लैंज का अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर इसका अगर मैं बनाऊं स्ट्रेस डायग्राम तो अगेन इसका भी कैसा आएगा यहां पर आपको इसके अंदर सिर्फ सीधा सीधा क्या मिलेगा रेक्टेंगुलर आपको मिलेगा क्यों मिलेगा रेक्टेंगल क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पास ये फ्लैंज जो है वो किसके अंदर आ रहा है आपके पास सिर्फ रेक्टेंगुलर पोर्शन के ही अंदर आ रहा है तो मैंने जो फ्लैंज जो बनाया है वो कैसा आएगा सिर्फ रेक्टेंगुलर पोर्शन के ही अंदर आएगा तो अगर मैं इसका स्ट्रेस लिखूं तो ये कितना है मेरे पास 0.45 फोर के और इसकी जो डेप्थ है इसकी डेप्थ कितनी है आपके पास डी एफ इसकी डेप्थ कितनी है आपके पास डी एफ तो यहां पर आपके पास जो कंप्रेशन जो फोर्स आएगा इसमें जो कंप्रेशन जो फोर्स आएगा इसको मैं बोल दे रहा हूं सी टू और इसको मैं बोल दे रहा हूं दिस इज योर सी वन जो सिंगली इन में जो आप डिज़ाइन कर रहे हो उसको मैं बोल दे रहा हूं सी वन और इसमें जो आप डिज़ाइन कर रहे हो उसमें मैं बोल दे रहा हूं सी टू समझ में आया ठीक है फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है आपके पास कि जो आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या हो रहा है आपके पास डेप्थ ऑफ़ फ्लान से ज़्यादा है मतलब कहां पर आ रहा है वो वेब में आ रहा है दूसरी चीज़ आपका जो डेप्थ ऑफ जो फ्लान जो है वो किसके अंदर होल्ड कर रहा था वो होल्ड कर रहा था आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर ही तो मैं इसको एनालिसिस के लिए मैंने वेब को मैंने अलग ले लिया और मैंने फ्लैंज को मैंने अलग ले लिया तो ये वेब हो गया और ये क्या हो गया मेरे पास फ्लैंज अब आप वेब का अगर आप देखोगे तो सिंगली रिनफोर्स बीम हम ऐसे ही डिज़ाइन करते थे एनालिसिस हम ऐसे ही करते थे इसका आपके पास ये कि मैंने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बनाया था नीचे इन्फोर्समेंट बनाया था तो इसको मैं कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है आपको पता है सिंगली इनफोर्स बीम में आपके पास जो कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स कितनी आती थी वो आपको पता है सिंगली इनफोर्स बीम हमने अच्छे से पढ़ लिया बचा क्या आपके पास बचा आपके पास फ्लैंज वाला सेक्शन तो ये मैंने फ्लैंज वाला सेक्शन बनाया इसकी जो डेप्थ थी फ्लैंज की वो कितनी थी डी और जो विथ जो है फ्लैंज का वो क्या हो जाएगा आपके पास जो टोटल आपके पास वेब जो फ्लैंज का जो विथ था उसमें से मैंने डेप्थ वा इसको मैंने माइनस कर दिया विथ तो वेब को मैंने माइनस कर दिया तो बचा क्या बी एफ जो टोटल जो था उसमें से मैंने फर्स्ट वाले सेक्शन को मैंने हटा दिया तो बचा क्या आपके पास विथ कितना बचा आपके पास बी एफ माइनस बी डब्ल्यू क्लियर है यहाँ तक अब इसका अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाया तो वो कैसा बनेगा आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन ही बनेगा स्ट्रेस का क्यों आपके पास बनेगा क्योंकि मैंने बताया है कि जो फ्लैन जो है वो कहां पर लाई कर रहा है स्ट्रेस के अंदर रेक्टेंगुलर पोर्शन में लाई कर रहा है तो ये क्या हो गया आपके पास? ये आपके पास पास ये बन गया रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम ठीक है ये क्या आपके पास ये है आपके पास डेप्थ ऑफ द फ्लैंज समझ में आया तो ये क्या हो गया आपके पास फर्स्ट और सेकंड का आपके पास क्या आ गया बन गया ये बन गया उसका स्ट्रेस डायग्राम तो यहां पर अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो टोटल जो आपके पास कंप्रेशन फोर्स है वो पहले वाले सेक्शन का और दूसरे वाले सेक्शन का क्या हो जाएगा आपके पास समेशन हो जाएगा तो पहले वाला सेक्शन हमने कैसे डिजाइन किया एज अ सिंगली री बीम तो सिंगली री बीम में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है थ्री पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के बी इंटू एक्स यू और यहां पर जो बी लूंगा यहां पर जो मैं बी लूंगा अब आप देखिए पहला वाला जो सेक्शन है पहला वाला जो सेक्शन है, है उसकी विथ कितनी है आपके पास उसकी विथ कितनी है ये सिर्फ वेब के बारे में हम डिजाइन कर रहे थे वेब का एनालिसिस कर रहे थे तो ये कितना आपके पास विथ ऑफ द वेब तो यहां पर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास बी डब्ल्यू समझ में आया इन क्या हो जाएगा ये एक्स यू सिमिलरली आप क्या कर सकते हो यहां पर री जैसे आपने बढ़ा दिया जैसे मान लीजिए आपने यहां पर तीन री ले लिया फर्स्ट वाले सेक्शन के अंदर आप एक ही रेन्फोर्समेंट ले रहे हैं सेकेंड वाले सेक्शन के अंदर आप एक और रेन्फोर्समेंट ले रहे हैं लेकिन विदाउट कंसिडरिंग कॉन्क्रीट तो आप ए एस टी वन और ए एस टी टू करके भी कर सकते हैं मैंने वैसा किया नहीं है मैंने दोनों रिनफोर्समेंट को मैंने फर्स्ट वाले उसमें ही ले लिया है ठीक है तो आप चाहो तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन में ए एस टी वन ले लो इस वाले सेक्शन में ए एस टी टू ले लो मैंने वैसा एनालिसिस नहीं किया मैंने सिंपल सा एनालिसिस किया दोनों को मैंने एक ही सेक्शन में रख लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी आपके पास कितना आ जाएगा चलिए अगर मान लीजिए अलग अलग करते टी वन करते हैं यहाँ पर सिर्फ एक कम री शो करते हैं बच्ची हुई रेनफोर्समेंट यहाँ शो करते हैं तो कितना होता पॉइंट एट सेवन एफ आई ए एस टी वन ठीक है तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट सेक्शन का अगर मैं सेकेंड सेक्शन की बात करूँ मतलब सिर्फ यहाँ की बात करूँ तो इसका सी टू कितना हो जाएगा आपके पास इसका सी टू देखिए आप देखिए कंप्रेसिव फोर्स क्या बताया था मैंने स्ट्रेस डायग्राम का एरिया स्ट्रेस डायग्राम का एरिया इन टू क्या बोला था मैंने विथ अच्छा स्ट्रेस डायग्राम का एरिया कितना दिख रहा है आपको पॉइंट फोर फाइव एफ सी के इंटू डी एफ स्ट्रेस डायग्राम का एरिया कितना दिख रहा है पॉइंट फोर फाइव एफ सी के इंटू डी एफ और इसकी जो विथ है विथ कितनी ले रहे हैं हम यहाँ पर इंटू क्या लेंगे बी एफ माइनस बी डब्ल्यू विथ कितनी ले लेंगे हम इसकी बी एफ माइनस बी डब्ल्यू अगर टेंसाइल रे में अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर दो रे इनफोर्समेंट शो किया था और दोनों को मैंने फर्स्ट सेक्शन में ले लिया था केस मैं यहाँ पर तीन रे शो कर रहा हूँ जिसमें से मैं दो को यहाँ शो कर रहा हूँ और एक को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ तो आप इसको ए एस ले, ले लेना इसको आप एस टी टू लेना कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर तो उस केस में आपके पास टी टू को आप बोल सकते हो कितना हो जाएगा आपके पास पॉइंट एट सेवन एफ समझ में आया तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था आपके पास वो ये वाला पॉइंट था C2 वाला चलिए हमें क्या निकालना है हमें निकालना है C C कितना हो जाएगा मेरे को बताइए C हो जाएगा C1 वन प्लस C2. इसका मतलब C कितना हो जाएगा 0.36 थ्री सिक्स एफ सी के इंटू क्योंकि ये क्या था आपके पास सिर्फ वेब वाला सेक्शन को हमने एनालिसिस किया था 0.36 थ्री सिक्स एफ सी के इंटू बी कितना हो जाएगा ये इंटू एक्स यू प्लस C2 टू की अगर बात करूंगा तो C2 कितना हो जाएगा आपके पास 0.45 फोर फाइव एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इन क्या हो जाएगा डी एफ ठीक है तो ये क्या आपके पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स है अगर टोटल टेंशन फोर्स के बारे में बात करूं तो कितना हो जाएगा पॉइंट एट सेवन एफ वाई ए एस टी अगर टेंसाइल फोर्स को अगर आ, टेंशन री को अगर आपने अलग अलग शो किया है तो यहाँ पर आप लिख लेना पॉइंट एट सेवन एफ आई ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू मतलब वो टोटल ए एस टी ही हो जाएगा क्लियर है तो ये समझ में आया कि आपके पास जो टोटल जो कंप्रेसिव फोर्स है इस केस में वो कितना हो जाएगा आपके पास वो चेंज हो जाएगा कैसे पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू प्लस पॉइंट फोर फाइव एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू डी एफ तो ये क्या था आपके पास ये था आपके पास कंप्रेसिव फोर्स तो अगर अपन इसका डिजाइन करने बोले एनालिसिस करने बोले या फिर अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लेंगे क्या आप फाइंड आउट कर लेंगे एक्स यू लिमिट आपको पता है एक्स यू लिमिट का फॉर्मूला के इन टू डी ठीक है आप क्या कर लेंगे यहां पर सबसे पहले क्या कर लेंगे आप एक्स यू लिमिट निकाल लेंगे सेकेंड में क्या करना है आपको आपको निकालना है एक्स यू कैसे निकालेंगे आप सी इक्वल्स टू टी को कंपेयर करके आप क्या कर लेंगे वहां से एक्स यू निकाल लेंगे अब यहां पे सी कितना पुट करेंगे जो मैंने आपको बताया है. कितना बताया मैंने आपको टोटल <coughs> जो वैल्यू मैंने आपको बताया पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू प्लस पॉइंट फोर फाइव एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ वो वाली वैल्यू पुट करके इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स से वहां से आप क्या कर लेंगे एक्स यू निकाल लेंगे थर्ड स्टेप में आप कंपेयर कर लेना कि आपके पास एक्स यू एंड एक्स यू लिमिट को आप क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे अगर एक्स यू इक्वल्स टू एक्स यू लिमिट आया तो मतलब बैलेंस सेक्शन एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिट आया तो मतलब अंडर इनफोर्स सेक्शन ग्रेटर देन आया तो मतलब ओवर इन्फोर्स सेक्शन अगर अंडर इन्फोर्स सेक्शन आएगा तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में या फार्मूला में आप एक्स यू की वैल्यू प्लेस करेंगे बाकी दोनों में आप एक्स यू लिमिट ही पुट करेंगे फिर उसके बाद आता है फोर्थ वाला फार्मूला फोर्थ क्या आता है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब मैं बताया आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आप कंप्रेशन साइड से निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा वो सी इंटू लिवर आर्म मतलब सी वन इंटू जेड वन प्लस सी टू इंटू जेड टू दोनों स्ट्रेस ब्लॉक का लीवर आर्म अब लीवर आर्म देख लीजिए C1 वन कितना आपके पास पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के इंटू बी डब्लू याद रखिएगा बहुत अच्छे से इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस पॉइंट फोर टू इंटू एक्स यू यह आपको पता है प्लस जेड वन क्या था आपके पास लीवर आर्म डी माइनस पॉइंट फोर टू इंटू एक्स यू क्यों क्योंकि हमने इसको कैसे डिजाइन किया था सिंगली रिनफोर्थ बीम की तरह सिंगली रिनफोर्थ बीम में आपको पता है कि जो लीवर आर्म होता है वो कितना होता है आपके पास D माइनस पॉइंट फोर टू इंटू एक्स यू सेकेंड सी टू कितना है आपके पास C2 है आपके पास पॉइंट फोर फाइव इंटू एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ ये था कंप्रेसिव फोर्स अब इसका मेरे को बताइए लीवर आर्म कितना होगा चलिए लीवर आर्म देखते हैं आप अपन तो यहां पर अगर मैं लीवर आर्म की बात करूं इस वाले स्ट्रेस डायग्राम में तो ये मेरा टेंसाइल फोर्स है और ये मेरा क्या है कंप्रेसिव फोर्स ठीक है ये मेरा कंप्रेसिव फोर्स है मेरा टेंसाइल फोर्स है स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम कैसे मेरा रेक्टेंगुलर है स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम कैसा है मेरा रेक्टेंगुलर है तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा सेंटर में ही होगा तो सेंटर पर ही एक्ट करेगा तो अगर ये सेंटर पे आग किया टोटल मेरा डी एफ है तो ऊपर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा डी एफ बाई टू अगर ऊपर वाला पोर्शन मेरा डी एफ बाई टू है और ये टोटल कितना है मेरा एफेक्टिव डेप्थ मतलब स्मॉल डी तो ये दोनों के बीच का लीवर आर्म कितना हो जाएगा एफेक्टिव डेप्थ माइनस डी एफ बाई टू तो लीवर आर्म कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा आपके पास स्मॉल डी माइनस डी एफ बाय सॉरी कितना हो जाएगा आपके पास स्मॉल डी माइनस डी एफ बाय टू डी एफ क्या है आपके पास डी एफ है आपके पास डेप्थ ऑफ द फ्लैंज ठीक है तो आप यहां पर लिख लेना कि आपके पास जो लीवर आर्म है सेकेंड केस के लिए लीवर आर्म सेकेंड केस के लिए मतलब Z2 के लिए है वो कितने है आपके पास स्मॉल डी माइनस डी एफ बाय टू क्लियर है तो यहां से आप क्या कर सकते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हैं क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर बस चेक कर लीजिएगा आपके पास अगर अंडर इनफोर्सड है तो आप यहाँ पर एक्स यू में एक्स यू वैल्यू पुट करेंगे अगर बैलेंस सेक्शन वगैरह कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक्स यू लिमिट पुट करेंगे जहाँ यहाँ पर एक्स यू है तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को कोई भी टाइप के सेक्शन को आप एनालिसिस कर सकते हैं इस टाइप के बेस्ड अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे क्राइटेरिया क्या आपके पास पहला क्राइटेरिया है कि आपके पास जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लान से ज़्यादा है डेप्थ उसके फ्लैंस के डेप्थ से ज़्यादा मतलब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर लाई कर रहे हैं वो लाई कर रहा है उसके वेब पोर्शन में दूसरा दूसरा जो क्राइटेरिया है कि आपके पास जो डेप्थ ऑफ फ्लान जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है आपके पास वो लाई कर रहा है उसके रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर जो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम जो है उसके रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर पे लाई कर रहा है अब नेक्स्ट केस अपन देखते हैं कि आपके पास जो डेप्थ ऑफ फ्लान जो है रेक्टेंगुलर पोर्शन के नहीं है, वो कहां पर है आपके पास वो है आपके पास उसके पैराबोलिक पोर्शन के अंदर तब उसका एनालिसिस कैसे करेंगे तो चलिए वो देख लेते हैं।